मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। क्या 400 सीटों वाली पार्टी देश के संविधान को बदल सकती है? अगर मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो फिर देश में कभी इलेक्शन ही नहीं होंगे और भारत में डिक्टेटरशिप आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से जीत गई तो ये संविधान को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, चुनाव को खत्म करेंगे। ऐसे दावे न सिर्फ विपक्षी पार्टियां बल्कि कुछ बड़े बड़े मीडिया हाउस भी कर रहे हैं। तो क्या देश के संविधान को बदलना इतना आसान है? और अगर बीजेपी 400 सीटें हासिल कर लेती है तो क्या सच में संविधान और आरक्षण दोनों को खत्म कर देगी? और जिस दिन मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। ये लोग बता रहे हैं हमें 400 सीट इसलिए चाहिए, हमें संविधान बदलना है, रिजर्वेशन खत्म करना है। भाजपा कर्नाटक से सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने 10 मार्च को ये कहा था कि अगर एनडीए को 400 सीटें मिलती हैं तो संविधान को बदल दिया जाएगा। बीजेपी नेता अरुण गोविल ने भी कहा था कि संविधान बदलना समय की मांग है, इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि अगर बीजेपी 400 सीटें जीत जाती है तो संविधान ही बदल देगी। विपक्षी पार्टियां भी संविधान खत्म होने का डर दिखाकर देश की जनता को डराने लगी हैं। ऐसा नहीं कि संविधान में अब तक संशोधन या बदलाव नहीं किया गया, संविधान में अब तक 100 से ज्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। कुल संशोधनों का अगर औसत निकाला जाए तो हर साल करीब 2 संशोधन संविधान में किए जाते हैं। जो कांग्रेस आज संविधान बचाने की दुहाई दे रही है, उसी कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान में इतनी संशोधन किए कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाने लगा था। साल 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जुड़वा दिया था। हालांकि संविधान में यह इकलौता बदलाव नहीं हुआ, ऐसे दर्जनों बदलाव किए गए जिन्होंने लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए। हालात ऐसे थे कि न्यायपालिका को सस्पेंड कर दिया गया, देश में संविधान के आर्टिकल 352 के तहत देश में इमरजेंसी लगा दी गई। इमरजेंसी का यह दौर पूरे 21 महीनों तक चलता रहा। हालांकि 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी और संविधान में 44वां संशोधन के जरिए इंदिरा सरकार ने जो भी संविधान में संशोधन किए उन्हें बदल दिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान के कई हिस्सों को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया, जिसने संविधान को बदलने का दायरा ही खत्म कर दिया। जो लोग आज के दौर की तुलना आपातकाल से करते हैं, मोदी को डिक्टेटर कहते हैं, संविधान खतरे में बताकर लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, या तो बेहद चालाक है या फिर लोगों को मूर्ख समझते हैं। जिन्होंने भी इमरजेंसी का दंश झेला हुए जानते हैं कि कैसे लोगों को पकड़कर उनकी नसबंदी की गई। जिन लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई उनमें से ज्यादातर लोग कभी वापस लौट कर ही नहीं आए। न्यायपालिका को सस्पेंड कर दिया गया था, अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई थी। ये सब उसी कांग्रेस की सरकार में हुआ जो आज संविधान की दुहाई दे रही है। आज सोशल मीडिया पर लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी गाली दे रहे हैं, एक चुने हुए देश के प्रधानमंत्री को डिक्टेटर और तानाशाह बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर इस बार बीजेपी जीत कर सत्ता में आती है तो देश का संविधान ही खत्म हो जाएगा, देश में फिर कभी चुनाव ही नहीं होंगे। वो शायद 1975 के उस काले अध्याय को भूल जाते हैं जहां सवाल पूछना तो दूर, अगर सरकार के खिलाफ आपने चर्चा भी कर दी तो सत्ता आपको घर से उठवा लेती थी, जेल में डाल देती थी और ऐसे लोगों की जमानत भी कभी नहीं होती थी। जो लोग आज नरेंद्र मोदी की तुलना तानाशाह या फिर डिक्टेटर से करते हैं वो इंदिरा गांधी के आपातकाल की क्रूरता का असली सच जान जाएंगे तो आज के दौर की तुलना आपातकाल से करने की सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि जिसे आप तानाशाह बता रहे हैं उसी के खिलाफ वीडियो बनाकर लाखों कमा रहे हैं, चुनाव से पहले उसे डिफेम कर रहे हैं और फिर भी ये कह रहे हैं कि देश में डिक्टेटरशिप है। अगर यही आपने 1975 की इमरजेंसी वाले दौर में किया होता तो शायद आपकी टांगे तोड़ दी जाती और जेल की सलाखों में ठूस दिया जाता। आज हर चुनावी रैली की शुरुआत ही संविधान को बचाने से शुरू होती है। विपक्ष ये तो बताता है कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके पास इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर ये होगा कैसे। मोदी ने अपने 10 साल की सत्ता में वो कौन से काम किए हैं जिनमें उन्हें संविधान खतरे में नजर आता है? 1971 में सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की बेंच ने कहा था कि संसद को लोगों के मौलिक अधिकार कम करने की अथॉरिटी नहीं है, आर्टिकल 368 के जरिए संविधान की मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता है। यानी इतना तो साफ है कि बीजेपी कभी भी देश के संविधान को नहीं बदल सकती है, फिर चाहे उसकी सीटें 400 आए या फिर 450। अगर बीजेपी 400 सीटें जीत भी जाती है तो ये पहली बार नहीं होगा। इससे पहले 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद कांग्रेस की 405 सीटें आई थी,
न तब संविधान बदला और न ही अब संविधान बदलेगा। मोदी 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके पास उनका खुद का अपना घर नहीं है, उनकी कोई कार नहीं है, एक प्लाट था उसे भी उन्होंने दान कर दिया है। मोदी कहते हैं कि देश ही मेरा परिवार है, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए मैं जी रहा हूं। फिर भी लोग उन्हें डिक्टेटर या फिर तानाशाह कहते हैं। वैसे संविधान बदलने को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी 400 सीटें जीत जाएगी तो देश का संविधान बदल देगी? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।